ट्रैकिंग पे जाना हो या घर में छोटी पार्टी करनी हो या फिर अकेले कभी बैठ के कुछ पुराने नगमे सुनना हो तो एक छोटा कॉम्पैक्ट स्पीकर तो होना ही चाहिए। वैसे आज हमारे पास जो स्पीकर आया है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट है, तुम लोगों को बड़ा मजा आएगा। आरजीबी लाइटिंग वाला ये स्पीकर है, ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से इसका नाम है ज़ेब म्यूजिक बॉम एक्स मिनी। और यार जो स्पीकर है काफी कूल लगे मुझे पर्सनली, बताऊंगा इस डिवाइस के बारे में कंप्लीट डिटेल जानेंगे वीडियो में आगे, बट रिक्वेस्ट रहेगी अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना, स्किप मत करना वीडियो को, एंड तक देखना सारी डिटेल तुम्हें स्पीकर के बारे में मालूम पड़ जाएगी। और अगर इंस्टाग्राम वगैरह फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग आप लोग यहाँ पर शेयर करने वाले जल्द, तो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिएगा। तो फटाफट से बॉक्स में डालते तो यहाँ पे फ्रंट में आपको जो है ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग वगैरह देखने को मिलती है, पीछे की तरफ की हाइलाइट्स और पीछे की तरफ आपको थोड़े बहुत वो स्पेक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले मिल जाती है एक मैनुअल जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक चार्जिंग केबल मिल जाती है जो कि टाइप सी वाली है, और आपका मेन डिवाइस आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ब्लू कलर और येलो कलर में ये डिवाइस अवेलेबल है। अब डिवाइस से अगर बिल्ड और डिज़ाइन की जगह मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है ना प्लास्टिक देखने को मिलता है, फिनिश बहुत प्रॉपर कर रखी है और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और फ्रंट में मेटलिक ग्रिल दे रखी है ताकि जो आपके स्पीकर्स हैं उनको प्रोटेक्शन मिल सके और जो लुक है वो कहीं ना कहीं और बेहतर हो जाता है। पीछे बात करें तो थोड़ा सा रबराइज्ड मटेरियल टाइप ये लगता है, बट है नहीं, प्लास्टिक ही है ये। नीचे आपको स्टिकी पैड्स देखने को मिल जाएंगे, साइड में जो यहाँ पे आपके पोर्ट्स अवेलेबल हैं, एक तो आपका चार्जिंग का पोर्ट है टाइप सी वाला और एक आपका जो है एसडी कार्ड लगाने का यहाँ पे पोर्ट आपको मिल जाता है। टॉप पे अगर आपको बटन दे रखे हैं, जो बटन का फीडबैक है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है, मुझे बटन काफ़ी अच्छे लगे। बाकी अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रंट में आपको जो है माइक्रोफोन होल देखने को मिलता है, अगर ध्यान से देखो तो पीछे की तरफ आपको माइक्रोफोन होल देखने को मिलता है, और आपके दो जो है यहाँ पे ड्राइवर्स आपको जो है देखने को मिलता है, और लाइटिंग ग्लो बहुत ही प्यारा आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। अब आज भी लाइटिंग ग्लो की मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10 डिफरेंट जो है मोड्स मिल जाते हैं जिनको आप स्विच कर सकते हो, और सभी मोड्स काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पे ना अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें जो जैसे आप वॉल्यूम को कम करना करते हो ना, तो यहाँ पे देखो आप लाइटिंग्स का जो इफेक्ट है वो कम होता है, और इस वजह से जो है आपकी लाइटिंग जो है यहाँ पे बढ़ने लगती है, तो बहुत ही सही लगता है, बहुत अच्छी वाइब यहाँ पे आपको देता है ये स्पीकर आरजीबी लाइटिंग के मामले में। बाकी आउटपुट की बात करूँ तो यहाँ आपको 5 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता है डिवाइस में, और 2.5 इंच के दो ड्राइवर्स आपको जो है यहाँ पे फ्रंट में देखने को मिलते हैं, और जो साउंड आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जो अगर एक क्लैरिटी के हिसाब से बात करूँ काफ़ी अच्छा, डिस्टॉर्शन आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलता, 100% आप वॉल्यूम पे सुन रहे हैं, तो ये चीज़ कहने के मैटर करती है। स्पीकर बहुत सारे ऐसे आते हैं जो डिस्टॉर्ट करते हैं 100% आप वॉल्यूम पे प्ले करने पर, यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। लाउडनेस उतनी ज़्यादा नहीं है 5 वॉट की लाउडनेस से, और मिनी कॉम्पैक्ट स्पीकर के हिसाब से ठीक ठाक आपको मिल जाती है। वहीं बेस की बात करूँ तो बेस भी काफ़ी डिसेंट आपको मिल जाता है, मोर देन एवरेज बेस यहाँ पे मिल जाता है। बहुत ज़्यादा पंच और हेवी आपको मतलब डेपनेस नहीं देखने को नहीं मिलेगी, बट ये है कि अगर आप कुछ गाने वगैरह प्ले कर रहे हैं तो आपको फील जरूर मिल जाता है बेस का यहाँ पे। तो आई वुड से कि साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। हरकत पे या फिर तेरी तारीफ करना, मेरे दिल से तू ऐसे खेल गया, अब जी ना सकूं मर भी ना सकूं, तेरी जहर भरी वो आँखों की मुझे चाल समझ में आई, वफा ना रास आई days that we chill and relax. Where did the time go? It all passed. Now I need to go back. I had no worries but always had plans. Only thing I did was pick up the trash. Now it's much harder to laugh, hard to get up and not work on my craft. I need inspiration, don't need no validation, no more medication, just try some meditating. I don't need you to save me, feel like all of you hate me. Everything's been so hard with all the situations lately. I just need to numb the pain for a minute. I just wanna run away on vacation.
बाकी अगर दूसरी चीजों पर नजर डालें स्पीकर की, तो यहाँ पे आपको जो है ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिलता है, और कनेक्टिविटी के मामले में कोई भी दिक्कत ऐसा आपको आएगी नहीं। 10 मीटर की रेंज में काफी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं। अगली बात आती है यहाँ पे IPX रेटिंग को लेके, तो ये IPX 5 रेटेड है, तो आप डेफिनेटली जो है शावर वगैरह के टाइम पे या फिर अगर बारिश वगैरह हो रही वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। हल्की फुल्की वाटर स्प्लैश जो है ये स्पीकर कहीं ना कहीं झेल जाएगा, वहाँ पे कोई दिक्कत आपको डिवाइस में आएगी नहीं। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ऐसा कहना है कि 11 आवर्स ऑफ प्ले परफॉर्मेंस आपको जो है डिवाइस में देखने को मिलता है, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो ये चीज आपको 50% ऑफ वॉल्यूम पे देखने को मिलता है अगर 50% ऑफ वॉल्यूम पे इसको प्ले कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो RGB लाइटिंग वाला फीचर अगर आपने उसको ऑफ कर रखा है तो आप यहाँ पे 11 घंटे तक जो है परफॉर्मेंस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप हैवी यूज़ कर रहे हैं, मतलब 100% ऑफ वॉल्यूम पे यूज़ कर रहे हैं, RGB लाइटिंग में एकदम पूरी यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि 5-6 घंटे का जो है ये आपको एक्सपीरियंस दे देगा। फुल चार्ज पे जो कि 2.5 घंटे लगाते हैं, यानी कि 2.5 घंटे में जो ये डिवाइस फुल्ली चार्ज होता है, और टाइप सी आपको मिल रहा था तो मैक्सिमम यहाँ पे 10 वॉट का चार्जर जो है इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे रिकमेंडेशन में दे रखा है इसकी मैनुअल में। बाकी डिवाइस में अच्छी चीज मुझे ये भी लगी कि उन्होंने यहाँ पर ना आपको ब्लूटूथ के अलावा दो और चीज़ें प्रोवाइड करी, यानी कि आप TF कार्ड के थ्रू भी इसमें जो म्यूजिक वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। तो कभी कभी होता है ना कि घर में दादी है, उनको ब्लूटूथ वगैरह चलाना नहीं आता, तो उनको एक मेमोरी कार्ड में जो गाने वाने भर के इसमें फिट कर दो, तो भाई वो उसमें कंटिन्यूसली जो है म्यूजिक वगैरह भजन वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। तो वो चीज़ तो है तुमको यहाँ पे मिल जाती है, और इसमें FM रेडियो भी है, तो मतलब बस तुमको करना कुछ नहीं, ट्यून इन करना है। ट्यून इन करना बहुत ईजी है आपको, उसके लिए सबसे पहले बता दूँ कि आप यहाँ पर अपनी जो है चार्जिंग केबल लगा लेना, तो वो एक एंटीना की तरह काम करती है, तो आपको जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कैच कर लेता है। अब उसके बाद तुम जैसे इसको जो प्लस माइनस के बटन को जो है दोनों को साथ में प्रेस करोगे तो ये सर्च मोड में चले जाएगा, और उसके बाद जो तुम्हारे FM स्टेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएंगे, फिर तुम उसको जो है इजीली स्विच कर सकते हो। ये भी आपको एक अच्छा फीचर जो है यहाँ पर डिवाइस में मिल जाता है। तो आई वुड से कि स्पीकर जो है वो काफ़ी अच्छा है, और कलर वगैरह भी काफ़ी अच्छा आपको मिल जाते हैं। जैसे मेरे पास ब्लू और येलो कलर में है, एक और ब्लैक कलर में ये डिवाइस अवेलेबल है, और प्राइसिंग जो है इसकी 1300 रुपये अभी आपको करंटली देखने को मिलती है, जो कि अमेजोन पे एक्सक्लूसिवली आपको मिल जाएंगे। बाकी मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार डिवाइस काफ़ी अच्छा है, बस एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि इन्होंने TWS वाला फीचर भी दे देना था, यानी कि दो स्पीकर आप साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, वो वाला फीचर थोड़ा सा मुझे इसमें मिसिंग लगा। बाकी ओवरऑल में डिवाइस काफ़ी तगड़ा है, आप चेकआउट कर सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ज़्यादा बस ये कहूँगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट करके जाना, क्योंकि जब भी आप कमेंट्स वगैरह आते हैं तो बड़ी खुशी होती है हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इन दो एक्सप्लोर के साथ।